उत्तराखंड समाचार में आपका विशेष स्वागत है। मैं पुनीत रोहिला, न्यूज उत्तराखंड समाचार चैनल हेड आपका अपना। आज हमारे साथ मैम गुप्ता जी यहाँ रंग नहर तट पर खड़े हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, मित्र लोगों के साथ में हैं। मैम जी की पूरी टीम, युवा टीम यहाँ पर मौके पर है। आइए जानते हैं आज उन्होंने एस पी के हाथ के हाथ जो दिया है ज्ञापन, वो क्या था उन्हीं के मुख्य मंत्री में। मैम गुप्ता सर, सब क्या कहना चाहेंगे आज एस पी के हाथ साथ में, आज में क्या ज्ञापन दिया? लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश भर में, और अब दोबारा से जीवन पटरी पर आना शुरू हुआ है, तो बहुत सारी समस्याएं नए सिरे से सामने आ रही हैं, जिसमें बाजार के व्यापारियों की बड़ी समस्या है कि वहां पर जाम लगातार मेन बाजार में लग रहा है, लगातार बड़े वाहन भी छोटे वाहन भी वहाँ पर जाम लगा दे रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी कारें भी आ जा रही हैं जो गूगल पे नक्शा देखते हैं और वो मेन बाजार में हरिद्वार जाने के लिए पंजाब हरियाणा जाने वाले चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं है रास्ता। तो सारा दिन ये समस्या को लेकर आज सुबह 50-60 व्यापारी बाजार के इकट्ठा होकर मेरे पास आए, जिनको लेकर फिर एस पी से बात हुई है। वहीं पर जो हमारे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर, उनको भी उन्होंने बुला लिया था, और ये तय हुआ है कि व्यापारियों से ट्रैफिक इंस्पेक्टर एक बार परामर्श ऑन करके और जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग की जरूरत होगी, या ऐसा भी बात आई थी शुरू में जब ये बैरिकेड्स लगे हुए थे हटाए गए थे, तब उस समय ये बात थी कि ई रिक्शा वाले पहले फॉर्मों में से भी जरूर व्यापारी मेरा वही मैं बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ई रिक्शा भी एक बड़ी समस्या बाजार में जाम का कारण बनती है, तो उसके कारण से ये बात आई थी कि जब मेन बाजार से बैरिकेड लगा देते हैं तो ई रिक्शा फिर बराबर ही गलियों में से निकलती है। तो ये तय हुआ है आज के जो बैरिकेड लगाए जाएँ वो इस तरह से लगाए जाएँ कि ई रिक्शा गुजरने का रास्ता रहे, ताकि उनको गलियों में ना जाना पड़े। एक तो ये सब बात हुई है, दूसरी बात ये हुई है कि जो ई रिक्शा है इनके लिए कोई रूट निर्धारण की या कोई ऐसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, ताकि ये आने वाले समय में शहर में जो अनावश्यक जाम लगते हैं उससे निजात मिले, किसी का रोजगार प्रभावित ना हो, ई रिक्शा से अपना रोजगार जो लोग चला रहे हैं वह भी ठीक से चलता रहे, लेकिन अनावश्यक भीड़ एक जगह ना हो। कहीं पर ई रिक्शा उपलब्ध नहीं है, कहीं पर बहुत सारे हो गए हैं, तो इन सब की एक समुचित व्यवस्था बने, इस पर भी बातचीत हुई है। फिर अभी स्कूल दोबारा से खुलने शुरू हुए हैं, तो लड़कियों के स्कूल हैं, एसडी कॉलेज है, आर्यकन्या है, सेंट जॉन्स है, सभी खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो वहाँ पर जो इस तरह के लड़के हैं जो बदतमीजी करते हैं उनका जमावड़ा फिर से दिखने लगा है, तो वहाँ पर पुलिस छुट्टी के समय पर खड़ी हो, ये भी आज उसको बात रखी गई है। इसके साथ साथ CPU को लेकर भी एक सवाल लंबे समय से चल रहा है कि CPU अनावश्यक लोगों को कई बार परेशान करती है शहर में, तो उसको DGP महोदय से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी आकर यहाँ पर बात की जब आए तो उन्होंने किया था, तो उसके बाद CPU का जो एक प्रभाव था वो थोड़ा कम हुआ है पहले से, उतना ज़्यादा लोग परेशान नहीं है, पर तो भी मैंने आज कहा है कि CPU नगरीय क्षेत्र से बाहर खड़ी हो, और नगर में जो लोग बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं या कोई दवा लेने जा रहा है, सब्जी लेने जा रहा है, उनको अनावश्यक परेशान न किया जाए। आने वाले समय में क्योंकि चारों तरफ बाईपास बन गए तो हैवी ट्रैफिक सारा बाईपास से निकल रहा है, इसलिए CPU की व्यवस्था भी सुचारू की जाए, तो ये 3-4 मुद्दे जाए जिस पर हमने बात की। कई मुद्दों पर मैम गुप्ता जी ने यहाँ बात की है, अगर बात की जाए CPU काफ़ी समय से यहाँ मुद्दा चल रहा था कि CPU पुलिस जो है वो जगह जगह रुक जाती है और लोगों को परेशान करती है, और अगर बात की जाए ई रिक्शा की, तो ई रिक्शा के लिए एक व्यवस्था के लिए इन्होंने कहा है कि जगह उन्हें भी मिलेगी, लेकिन अगर वह एक अलग दायरा होगा उन लोगों का जाने का, उसमें भी सहमति ये चाहिए। DGP अशोक कुमार जी से भी इनकी बात हुई है, तो DGP अशोक कुमार जी अभी आए थे कुछ दिन पहले, तो ये लेकर मैं आज वो प्रमोद डोभाल एस पी के हाथ में मिले और उन्होंने इनकी सभी बातों से सहमति जताई है। मैं आपका अपना पुनीत रोहिला, न्यूज़ उत्तराखंड।